सो हेलो इसके फैमिली, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बजाज पल्सर NS125 BSX के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखने वाले हैं। इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपको कैसा देखने को मिलता है और आपको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इस बाइक में स्टोर हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बजाज के कोई भी प्रोडक्ट में मतलब कि इंटरेस्टेड है या फिर उसे आप परचेस करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं बाबा बजाज के ऊपर, जो कि लोकेटेड है हमारे एरिया सासाराम रोहतास बिहार में। यहाँ पर आपको बजाज कंपनी के सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, साथ में आपको काफ़ी अच्छे सर्विसेज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके शोरूम को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा बजाज पल्सर NS125 BSX। तो चलिए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख लेते हैं। तो इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ ऐसा देखने में लगता है। बाकी इसे ऑन करते हैं तो आपको इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलता है और ये जो नीडल है फुल स्वाइप करता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा फील देता है। तो अगर आप एक एंथुजियास्ट है तो आपको ये जो नीडल वाला RPM है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है एज़ कंपैरिजन टू डिजिटल RPM मीटर। तो साइड में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल का लाइट देखने को मिलता है, आपको लो बैटरी इंडिकेटर का बजाज का लोगो और इंजन माल फंक्शनिंग लाइट का मतलब कि आपको लोगो देखने को मिल जाता है। अगर आपकी बाइक के कोई भी सेंसर में प्रॉब्लम आती है तो ये जो इंजन माल फंक्शनिंग लाइट है ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है जिसमें कि आपको 12,000 तक का मार्किंग दिया गया है। बाकी ये बाइक आपको 10,500 RPM पर रेडलाइन करती है और इसी में आपको फ्यूल गॉस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको RPM लिमिट देखने को मिलता है तो ये आपको ब्लिंक करने लगेगी जब आपको गियर चेंज करना होगा, तो उस टाइम ये लाइट ऑन हो जाएगी। इस साइड में बात करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर साइड स्टैंड आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा भी जूम नहीं ले पा रहा, ये साइड स्टैंड मतलब कि अभी बाइक का लगा हुआ है। तो अगर लगा होगा तो ये आपको शो कर देगी कि आपके बाइक का साइड स्टैंड लगा हुआ है। बगल में आपको टाइम शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ओडोमीटर देखने को मिल जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर देखने को मिलता है। इसे टॉगल करते हैं तो यहाँ पर आपको टॉगल के लिए दो बटन देखने को मिलता है, एक है मोड और दूसरा है सेट। तो मोड से टॉगल करते हैं तो अभी आपको ओडो शो हो रहा है। इसे टॉगल करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिप 1 और ट्रिप 2 देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो होते हैं। बाकी आपको कैसा लगता है इस बाइक का मीटर आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको शो किया बजाज पल्सर NS125 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कि देखने में कैसा लगता है और आपको क्या कुछ फीचर शो कर देता है। बाकी दोस्तों, आपको कैसा लगता है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दें और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। राइट हार्ट राइट सेफ।